विदिशा जिले के पठारी नगर में मुहर्रम त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। राजतंत्र में मुहर्रम शाही त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज भी कई हिंदू परिवार ताजिया को नियाज और सवारी का लोभान देने की परंपरा को अदा कर रहे हैं। आज के किले से गढ़ी तक सवारियों का सफर होता है। ऐसे माहौल में हिंदू मुस्लिम एकता के महासमर्थक पूर्व नवाब और पूर्व सरपंच की यादें प्रेरणा देती हैं। हुसैन की शहादत की याद में मातम और गमगीन माहौल में मनाए जाने वाला मुहर्रम त्योहार पठारी का हिंदू मुस्लिम एकता का महात्योहार माना जाता है। आजादी के पहले से ही इस ऐतिहासिक त्योहार में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पठारी आते हैं। यह परंपरा आज भी जीवंत है। मुस्लिम त्योहारों में सर्वाधिक मुहर्रम त्योहार को लोग इकट्ठे होते हैं। शाही त्योहार है मुहर्रम। नवाब घराना के फैज मोहम्मद खान ने बताया कि आजादी के पहले नवाबी शासनकाल में मुहर्रम त्योहार को शाही त्योहार के रूप में मनाया जाता था। राजघराने से चांदी का ताजिया, सोने और चांदी की बुराकों का जुलूस निकाला जाता था। नवाबी शासनकाल में सोने चांदी से जड़े नालों को लेकर सवारियां गांव की गश्त करती थी। किले में मुहर्रम त्योहार के एक पखवाड़े पहले से सात अनाजों के मिश्रण से बना पोषण आहार के रूप में गरीब लोगों को खिचड़ा का वितरण किया जाता था। कत्ल की रात को दिखती है मशाले। प्रत्यक्ष दर्शी बताते हैं कि नगर के ज्ञान नाथ पर्वत के ऊपर स्थित काली पथरौली वाले बाबा की दरगाह पर कत्ल की रात लगभग 1:30 बजे मशाले जलती नजर आती हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस दौरान नवाब फैज मोहम्मद खान मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष, रशीद शेख जैन समाज के अध्यक्ष राकेश सिंघई, विधायक प्रतिनिधि अखिलेश पंथी मंडल अध्यक्ष हरिनेश यादव, अमित सहेले, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तहसीलदार अभिषेक पांडे, TI विमलेश राय, उप निरीक्षक के पवार सहित पुलिस बल मौजूद रहे।